जय श्री कृष्णा दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को है। ये साल 2024 का पहला एकादशी व्रत है। सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कामों में सफलता मिलती है, सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मन थे, उनके 4 बेटे थे। उनमें से सबसे बड़ा बेटा लुम्पक बहुत दुराचारी था, मांस मदिरा का सेवन करता था और ऋषि मुनि देवी देवता आदि सभी का अपमान करता था। दोस्तों, उसके आचरण से राजा परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया तो वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान थे। पास के वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। सर्दी की रात में वह सोया हुआ था, सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया था। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी तो वह उठा। उसे भूख लगी थी, वह जंगल में खाने की खोज में चला गया। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर सकता था। जंगल से फल लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया था तो उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, ये फल आपको समर्पित, अब इन्हें खुद ही खाओ। दोस्तों, उस रात वह जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप हो रहा था। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। श्रीहरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्रीहरि ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम महल लौट जाओ और अपने पिता को राजकाज में मदद करो, राज का पद संभालो। ये सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाया और अपने महल लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट चलाने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ, उसे अच्छी संतान मिली। श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसे जीवन में सफलता मिलती है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।